हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड मैंने पिछले पिछले से वीडियो में आपको हिस्ट्री इतिहास का कंटेंट के बारे में समझाया था। आपको वो कैसा लगा? आपको अच्छा ही लगा होगा। अब मैं आपको लेसन वन पार्ट एक इतिहास का कक्षा 12वीं का करवाने जा रही हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगी। चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं हम पार्ट एक, इतिहास का पार्ट एक जो है ईटे मनके और अस्थियां। ईटे मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता ईटे मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, ये पार्ट फर्स्ट का लेसन का नाम है। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको समझने हैं धीरे धीरे करके। नंबर वन है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिंधु घाटी घाटी के किनारे बसी हुई है हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्योंकि सिंधु, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। सेकंड पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है, जहाँ पे जो खुदाई की गई है, पुरातात्विक जो होते हैं पुराने समय में, जो पुरातात्विक जो खोज करते हैं, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई करने में जो उन्हें साक्ष्य मिले हैं उसका हम वर्णन करेंगे, क्या क्या उन्हें मिला और कैसे पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे जीवन का निर्वाह करते थे, क्या कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता था। सेकेंड पॉइंट है मुद्राएं, मुद्राएं जो होती थी वो सेल खड़ी तथा चट धातु की बनी थी। इन्हें पड़ा नहीं, पड़ा नहीं जा सकता था। मुद्राएं जो होती थी, जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी, सेल खड़ी होती थी, जो मुलायम धातु से बनी होती थी उसे कहते थे सेल खड़ी। और एक चट धातु थी जिसका नाम चट था। दो धातुएं थी हड़प्पा सभ्यता में, एक तो थी सेल खड़ी और दूसरी थी चट धातु। ये दो धातुओं के नाम थे। इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था क्योंकि जो इसमें जो लिपि लिखी होती थी उससे उसमें चित्र उत्कीर्ण होते थे। चित्रों के माध्यम से पता चलता था कि इसमें कैसे क्या बताया गया है, कि मतलब जानवरों के चित्र हैं या फिर बैलगाड़ी के चित्र हैं, कि लोगों की पहिए का आविष्कार हुआ था या नहीं हुआ था। बैलगाड़ी है मिलती है उससे पता चलता है कि ऑब्वियस सी बात है कि बैल वो पहिए तो आ ही गए होंगे, पहियों का आविष्कार तो हो ही गया होगा। और चावल के दाने मिले हैं जैसे, तो चावल भी लोग खाते होंगे, चावल की खेती करते होंगे। गेहूँ के दाने मिले हैं तो गेहूँ की खेती लोग करते होंगे। तो जो जो साक्ष्य हमें मुद्राओं में मिले हैं ना, मुद्राएं जैसे कि मुद्राएं हो गई और क्या बोलते हैं मोहरे होती हैं उसमें उत्कीर्ण होते हैं चित्र, उसमें लिपि इस तरीके से उर्दू भाषा के तरह से होती है जो समझ ही नहीं आती, वो किसी ने कोई पढ़ नहीं सका, जो कोई भी इतिहासकार उसे पढ़ नहीं पाया। पुरातात्विक जो खुदाई उदाई करते हैं और पता लगाते हैं उन्हें कहते हैं पुरातात्विक। थर्ड पॉइंट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। हड़प्पा सभ्यता
आप साथ साथ इसके पॉइंट्स भी नोट डाउन करते जाना अपनी कॉपी में। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण मतलब शुभारंभ हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है, के नाम पर किया गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम पर शुरुआत कहाँ हुई थी, जहाँ हड़प्पा नामक स्थान जो है ना, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर पड़ा था। अब पॉइंट फोर है, इस सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत हैं, जैसे कि क्या क्या मिला है इस सभ्यता में पुरातात्विकों को, खुदाई में क्या क्या मिला है, इमारतें मिली हैं, मृदु भांड मतलब बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं, मूर्तियां मोहरे मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कैसे अपने जीवन को यापन करते थे और क्या क्या उस समय पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी। इस सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत का मतलब जो चीजें मिली हैं, स्रोत जैसे खुदाई में मिली इमारतें खुदाई में मिली इमारतें हो गई, मृद भांड हो गए औजार हो गए, मृद भांड कहते हैं बर्तनों को, औजार हो गए, आभूषण गहने वहने होते हैं ना, आभूषण कहते हैं, आभूषण मूर्तियाँ मोहरे इत्यादि हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा, तो ये तो आपको पता चल गया, मैंने आपको बता दिया, इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत है खुदाई में मिली इमारतें, मृद भांड बर्तन औजार आभूषण मूर्तियां और मोहरे मिली हैं खुदाई के कारण, खुदाई में जो मिली है हमें। हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र कौन से हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र जो इम्पोर्टेंट केंद्र है, तो बहुत सारे पर दो फेमस हैं। हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य केंद्र कौन से हैं, मुख्य या प्रसिद्ध केंद्र कौन से हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये आप मैप में देखना कहाँ पे किस स्थान पे आता है मोहनजोदड़ो, इंडिया से बाहर आएगा, पाकिस्तान में आया है। सिक्स पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस किसने की थी, दयानंद साहनी ने और खयालदास बनर्जी और सर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में हुई थी। इस सभ्यता की खोज फेमस नाम मैं आपको बता रही हूँ, दया राम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, और ये जो खुदाइयाँ हुई हैं ना इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देती हूँ, फिर मेन मेन नाम है और सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, नीचे कर देती हूँ अंडरलाइन। इस सभ्यता की खोज दया राम साहनी, एक नाम योग्या दयानंद साहनी, रखालदास बनर्जी और
सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। मतलब ये पुरातात्विकों के नाम है, उन्होंने ये खोज की थी। इस सभ्यता की खोज जयंत सहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। 7 पॉइंट है हमारा। इसके मुख्य स्थल बताइए हड़प्पा सभ्यता के। आपने बुक का चैप्टर पढ़ाया तो आपको पता होगा इसके मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। इसके मुख्य स्थल कौन से जहाँ पे खुदाई हुई है हड़प्पा सभ्यता की, जैसे नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, चंदूड़ हो गया, फोर्ट डीजी हो गया, फोर्ट डीजी और धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ये फेमस नाम है कालीबंगन, बनावली, ये सब मैप में आपको आने चाहिए फिल करने कि कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे ये चीज़ें। मैप में पेपर में आता है ये राखी गढ़ी आदि। तो ये लाइन किंची मैं रन कर देती हूँ। और आपका सभ्यता किन की केंद्र थी, नागेश्वर, बालाकोट, चंदूड़ो, कोटी जी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखी गढ़ी। अब 1 पॉइंट है हमारा। एट पॉइंट हमारा है हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तुएं क्या क्या थी। हड़प्पा बताइए आप सोच के कि हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तुएं थी कौन कौन सी, प्रोसेस क्या क्या चीज़ें मिली वहाँ पे। मन के बाट, पत्थर के पलक, मन की मोती के जो गले में मालाएं वगैरह होती है मन की बोलते हैं उनको, मोहरे बहुत फेमस है उस सभ्यता की, मोहरे मिली हैं उसमें। जो उत्कीर्ण है अभिलेख बोलते हैं उसके, पत्थर के खुदलेख होते हैं ना, जो मन के मोहरे बाट जिसमें नापते तोलते थे उस समय के लोग, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता पुरावस्तुओं में क्या क्या चीजें मिली हैं, मन के, ये इम्पोर्टेंट है, मन के मोहरे बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई थी। मन के तो पता लग गया, मोती के जो होते हैं गला में मालाएं बनाते हैं, मोहरे होती हैं स्टैंप को बोलते हैं, बाट होती है इसमें वजन को बोलते हैं, बाट वजन तोलने वाली चीज़ों को, तराजू होता है ना, जो पत्थर के फलक होते हैं टुकड़े, और पकी हुई ईंटें, पका की ईंटें बनती है ना भट्टी में। 9 पॉइंट है हमारा। यह सभ्यता कब से कब तक थी। यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच थी। तो 10 पॉइंट हमारा आ जाता है। समय पीरियड हमारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता का ख़त्म हो गई, जिसके बीच में थी सभ्यता, इस टाइम से इस टाइम तक के बीच में चली। अब 10 पॉइंट तो है नहीं, उसके बाद हम एक नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है, आरंभ कैसे हुआ था इस सभ्यता का, क्या हुआ था आरंभ।
मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता तो जो थी उससे पहले भी लोग वहाँ रहते थे, कुछ स्थान थे जहाँ पे लोग रहते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए गाड़ी पहियों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि बैलगाड़ी थी और घोड़े गाड़ी का प्रयोग था। वो जो वो खुदाई में मिले हैं उससे पता चलता है कि लोग ये पहियों का आविष्कार हो चुका होगा। और नंबर सेकंड पॉइंट है हमारा निर्वाह के तरीके। क्या है निर्वाह के तरीके? यानी कि लोग निर्वाह कैसे करते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे? जीवन यापन कैसे करते थे? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, इन सबके दाने जब खुदाई हुई थी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, तो दो पुरातात्विकों को वहाँ से चावल के दाने मिले, से पता चलता है लोग चावल भी खाते होंगे और हड्डियाँ मिली हैं। अब इस हड्डियों से पता चले, कुछ भी अंदाजे लगाते हैं, कुछ बिल्कुल ये हम पक्का नहीं कह सकते यही होता होगा, पर अंदाजे से ही हम किताबों में ये सब चीज़ें लिखे हुए पढ़ते हैं। और इसका निर्वाह के तरीके में आप लोग क्या क्या करते थे निर्वाह के लिए? कृषि करते थे, यानी इसका फर्स्ट पॉइंट आता है कृषि प्रौद्योगिकी। क्या आता है? कृषि प्रौद्योगिकी। तो लोग कृषि करते थे, हल जोतते थे ताकि उन्हें उनको उनको खाने के लिए गेहूं मिल सके, चावल मिल सके, बाजरा मिल सके। तो ये सब चीज़ें का थोड़े थोड़े जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ मिले हैं? खुदाई के दौरान पुरातत्वों को मिले हैं, इससे ही हम अंदाजा लगाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक मुझे अगली वीडियो में आप बताना, और मैं आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर एक, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, आप बताना कौन सा सही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नंबर 1, गंगा नदी के किनारे। नंबर सेकंड पॉइंट है इसमें लोथल शहर के किनारे। नंबर 3 है सिंधु सिंधु नदी की पवित्रता के कारण। और नंबर 4 है हमारा सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। तो मैंने जो आपको ये इसमें किसी कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको करवाया है, तो ये सिर्फ सेकंड पॉइंट तक जो मैंने कराया, इसका आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस चैप्टर को अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और डाउट सेशन, जो आप जो भी आपको डाउट्स है, जो आपको समझ नहीं आया वो आप पूछना, और इससे इसको आप कल पढ़ के आना, और जो आप जो भी क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड होंगे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी और पूछूंगी, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना। और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।